हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। एक नए वीक की हम शुरुआत करते हैं। आज पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, आपको अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वो ट्रेंड कहाँ पे रहने वाला है, क्या करने वाले हैं, उसके विषय में हम वन बाय वन करके रेगुलर वे से देखेंगे और जैसी हमारी एनालिसिस रहती है हम सिमिलर तरीके से परफॉर्म करेंगे। वीकली एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो मार्केट एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। अगर उस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाएगा, इन केस से उसके नीचे ब्रेक नहीं करता तो मार्केट में ऊपर धीरे धीरे करके ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हम उसको वन बाय वन कर डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वीकली एनालिसिस की वीडियो, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी और साथ में गोल्ड की भी अब मैंने आपके लिए वीकली व्यू बता रखा है, वहाँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़िए। यहाँ पर मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जहाँ पे मार्केट भी खड़ा हुआ है ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोन आप इसमें देख सकते हैं, जब मार्केट ने लो का फॉर्मेशन किया उसके नीचे 67,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज मार्केट में जो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से इसने पूरे दिन ट्रेडिंग किया है एक रेंज में और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन पॉज प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं होता है। जो यहाँ पे प्रोबेबल कॉजेस दिख रहे हैं उसके बेस में अगर हम देखते हैं तो आज यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन सकता है। बस इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसको मार्केट को निकालना चाहिए, क्योंकि 68,500 का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट जो इसने 69,000 के आसपास बनाया है ये है, उसके बाद 69,250, 265, उसके बाद में 69,500। ये जो ऊपर के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं आपको 500 पॉइंट, उसके बाद में 300 पॉइंट, 250 पॉइंट में, ये लेवल्स मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हर्डल फेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होता है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। यहाँ आपको ये जो भी कंटिन्यू रैली डाउन ट्रेंड में चलती आ रही थी, हो सकता है क्योंकि मार्केट ने एक दिन यहाँ पे पॉज लिया है, दूसरे दिन यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन फिलहाल के लिए भी करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है और सेकेंड हाफ में अच्छा ब्रेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद में दोबारा उसी लेवल में आके मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो ओवरऑल मार्केट रेडी है कि उसको लगभग 1,000 पॉइंट से 1,500 पॉइंट का मूवमेंट होना है। अब वो किस साइड होता है मार्केट डिसाइड करने, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अपसाइड के लिए है। ये जो हम अभी देख रहे हैं जो मार्केट करंट प्राइस है, ये सिल्वर का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जून मंथ का उसमें है। अगस्त मंथ में अगर आप देखोगे तो सिमिलर तरीके से पैटर्न वहाँ भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें फ्रेंड 4 आवर सेटअप में अगर आप देख लेते हैं तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया है, लगातार पूरे दिन ट्रेडिंग रही है। एक कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई थी इसने, लेकिन इसने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिखाई दिया। अब इसको क्लोजिंग अगर ऊपर की तरफ जाना है तो 500 के ऊपर थोड़ी इसमें हायर साइड की बाइंग आ सकती है, लेकिन अभी मार्केट अगर आज की प्राइस जो इसने अप एंड डाउन किया है लगभग 68,200 के ऊपर निकलता है तो इसमें थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 500 अगर निकलता है तो यहाँ पर थोड़ा हम ज़्यादा फोर्स के साथ बाई करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अप एंड डाउन अगर दोनों फॉर्मेशन आप देखते हैं तो मार्केट दोबारा से एक स्पिनिंग कैंडल बनाई है। स्पिनिंग का मतलब मैं आपको रेगुलर बेस पे बताता हूँ, मार्केट डिसाइड करने वाला है क्या करने वाला है। जिधर ये डिसाइड करेगा उधर ये हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 69,250 का लेवल है। तो यहाँ तक के लिए आपको आज हो सकता है मार्केट 1,000 पॉइंट, 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दिखाए अपसाइड के लिए। लोअर साइड की तरफ इसको थोड़ा सा भी मार्केट के लिए 67,400, 67,500 ये सारे लेवल्स इसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में लगभग सिमिलर तरीके से फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकलता है 69,300 के लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग किया है, इससे ऊपर निकलता है तो ये 500 के ऊपर निकलने पर यहाँ भी दोबारा 70,000 का लेवल है टच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे थोड़ा प्राइस का जो मूवमेंट है अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा धीरे धीरे करके, और उधर जो हमारा जून कॉन्ट्रैक्ट है उधर कम होगा, लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और इसमें अब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये दोबारा से अगस्त तक के इसमें आपको मौके मिलेंगे। 4 आवर सेटअप में आप देख रहे हैं सिमिलर तरीके से मार्केट ने यहाँ पॉज कैंडल बनाई हुई है, और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी
मार्केट ने एक रेंज में आके क्लोजिंग किया है और रेंज में आके खड़ा हुआ है। अगर इस यहाँ पे मार्केट अपसाइड दिखाई देता है, थोड़ा सा निकलता है 300 के ऊपर, 350 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा आपको पॉजिटिव साइड रैली देखने को मिलेगी। बाकी नीचे के लिए अगर मार्केट निकलता है 69,000 दोबारा से बैठा हुआ है इसको रोकने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बना हुआ है लगभग 68,700 का लेवल बना हुआ है। तो ये सारे लेवल से फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें दोनों पॉसिबल कॉजेस को लेकर चलना है। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेड करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर नए हैं एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।